विपक्षी दलों की महाबैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें 18 दलों के 25 से ज्यादा नेता पटना में इस बैठक में शिरकत करेंगे। राहुल पहुंच चुके हैं, खड़गे पहुंच चुके हैं, ममता कल ही पहुंच चुकी थी, महबूबा भी कल पहुंच चुकी हैं, केजरीवाल भी कुछ देर में शामिल होंगे। 2024 चुनाव पर विपक्षी दल 5 घंटे तक मंथन करेंगे। एनडीए के खिलाफ विपक्षी एकता पर चर्चा होगी और 2024 चुनाव कैसे जीता जाए इस पर विपक्ष रणनीति बनाएगा। लेकिन इन सबके बीच में क्या ही आसान होने वाला है, जो कि तमाम पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने शर्त हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि सबसे पहले बात दिल्ली को लेकर जो अध्यादेश पारित किया गया है केंद्र की तरफ से, उस पर होनी चाहिए। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहुंचते ही पटना में कहा कि इसको इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, क्यों इतना प्रचार किया जा रहा है, चूंकि अध्यादेश की अगर बात है तो उसका विरोध जब सदन चलती है तब उस वक्त होना चाहिए। तो 15 यहां पर से ज्यादा दल हैं, 18 दल बताए जा रहे हैं, जिनके 25 नेता जुट रहे हैं। सबका अपना एजेंडा है, सीटों के फॉर्मूले पर भी पेच है, और इन सबके बीच में क्या एक साथ एकजुट हो पाएंगे विपक्षी दल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश लगातार इन कोशिशों में आगे बढ़ते रहे और इस कोशिशों के बीच ये एक बड़ा पड़ाव एकजुटता को लेकर कहा जा सकता है, जिसमें इस पूरी महाबैठक का जो एजेंडा है वो एकमात्र ही है कि कैसे तमाम विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाया जाए और मोदी की विजय रथ को रोका जाए। मूड अच्छा है, आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, ये लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए काफी लंबे अरसे बाद यहां पर पटना पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी के बाद यहां पर सीधे वो पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास, जहां पर महाबैठक होने वाली है। इस बैठक पे लगातार हमारी नजर बनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं।